ये कौन सी बाइक है भाई, मॉडिफाई कराई है या क्या करवाया भाई, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे भीड़ देखो कितनी ज्यादा लगी हुई है यार। हेलो जी इंडिया, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई देहरादून में इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, ये देखो कितनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और भाई इतनी गर्मी में जो है ना भाई, स्विमिंग पूल तो नहीं जा रहे इस बार, स्विमिंग पूल नहीं जा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा स्विमिंग पूल गए थे, लेकिन इस बार जा रहे हैं भाई एक वाटरफॉल। और ये देखो भाई अपना जो घर है ना भाई, ये काटती भी बहुत जोर से, ये देखो काट लेती है, पता है अभी तो डर के भाग गई। अपना घर जो है ना भाई चिड़ियों वाला हाउस बना हुआ है भाई, बर्ड्स तो पहले थी और अपने पास एक तोता भी आ गया। और जिस वाटरफॉल में जा रहे हैं भाई, उस वाटरफॉल का नाम अभी नहीं बताऊंगा, वो तो आपको आने वाले वीडियो में पता लग जाएगा ना। अगर पहले ही बता दिया तो भाई आप लोगों को पहले ही बताना बेकार रहेगा, मतलब बाद में बताऊंगा बाद में। तो आज के वीडियो में भाई ट्रैवल करने वाले तन्नू और मैं दोनों ही ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि वो भी बोल रही है कि भाई मेरे को भी घूमने जाना है। तो मैंने कहा चलो जी, मना तो हम करेंगे नहीं, तो जल्दी से तैयार तो तुम्हारा भाई हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। और मैं पिछले वाले वीडियो में जो है ना भाई, आपको मैंने बताया था भाई गोप्रो का जो है ना वाटरप्रूफ केस जो है मेरा खो गया था भाई, वो मिल गया अलमारी के नीचे से मिल गया। तो आज अपने कैमरे को पानी के अंदर भी डुबाने वाले हैं। सबसे पहले भाई गाड़ी की भूख मिटाते हैं, गाड़ी को थोड़ी भूख लग रही है, बोल रही है वो भूख लगी भूख लगी भूख लगी जो रोकी भूख लगी। तो भाई भर गया अपनी गाड़ी का पेट और अब चलते हैं भाई, अभी हमें परेशान नहीं करेगी। ये कौन सी बाइक है भाई, मॉडिफाई कराई है या क्या करवाया भाई, समझ में नहीं आ रहा है भाई। किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना यार, मैंने पूरा अच्छे से मतलब इसको कैप्चर किया, आप कमेंट करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। सो भाई पहले अपनी पसंदी की भाई भूख मिटाने के बाद और भाई इतना सारा जाम झेलने के बाद अपन लोग आ गए हैं भाई जाखन रोड पर। और इस वाली रोड से जाते हुए देख करके भाई बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि भाई मैं कौन से वाटरफॉल जा रहा हूँ। मैं तो नाम नहीं बता रहा हूँ, पर जो समझ गया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिंग कर देना एक बारी। राजपुर रोड पर भी इतना जाम लगेगा यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इतना ज़्यादा जाम आ कहाँ से रहा है मेरे दोस्त। कुचिपन जा रहे घूमने, तो भाई आज का प्लान भी थोड़ा सा चेंज हो गया है भाई। मैं पिद्दू को भी लेकर के जा रहा हूँ, अपने भाई को, अपने प्योर पिद्दू को लेकर के जा रहा हूँ भाई मैं। ये ट्रैवल जो हम कर रहे थे भाई तन्नू और मैं ही कर रहे थे, लेकिन भाई ये खड़े हुए देख रहा था भाई घर में कि यार अकेले अकेले जा रहे हैं, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो भाई इसको भी लेकर के जा रहा हूँ। अभी हम पहुँच गए भाई साई मंदिर, और इसने भी चप्पल पहनी है और मैंने भी पहनी है। चप्पल पहनने के पीछे भाई रीज़न ये है कि भाई पिछली बार जब गए थे ना अपन लोग वाटरफॉल में गए थे, तो भाई मैं शूज़ पहन करके गया था और भाई मेरे पैरों की ना बैंड बज गई थी, पूरे 3 दिन तक दर्द रहा था भाई पैरों में। तो आज वो गलती नहीं करी, आज चप्पल लेकर के चलेंगे और चप्पल के साथ ही भाई स्विमिंग पूल, नहीं स्विमिंग पूल नहीं यार, वाटरफॉल में। अब ये वाली ट्रेल आप देख करके समझ गए होंगे कि भाई देहरादून का लड़का एक्चुअली जा कहाँ रहा है भाई। पहले मैं नीचे ध्यान दे देता हूँ, पता लगा वीडियो बनाने के चक्कर में हो गया काम। ये देखो भाई तुमको पता ही है भाई, पिछले साल भी मैं यहाँ पर आया तो भाई हर साल गर्मी होती है, तो हर साल यहाँ पर आएंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बार जिस जगह चले गए उस जगह नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है, बाकी जो लोग समझ गए हैं वो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, यहाँ तक अगर कोई नहीं समझा था वो कमेंट बॉक्स पढ़ लेना, मुझे पता है कि कोई ना कोई नीचे कमेंट कर ही देगा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। पानी हो रहा है, मैं चप्पल पे निकल जा रही। भाई सैम को एक तो प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह पानी पानी हो रहा है, और दूसरा इसकी चप्पल भी निकल जा रही है। अब इसका सॉल्यूशन तो नहीं है मेरे पास। ओ भाई थक गया यार तुम्हारा भाई ओ भाई थक गया यार तुम्हारा भाई चलते चलते भाई। ओ हर साल की तरह भाई थकान तो चढ़ती है यार, ये वाली चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी है ना भाई, ऊपर से रोड भी नहीं है, रोड होती तब भी थक जाते यार अपन लोग तो। हो और भाई रास्ते का मैंने ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भाई रास्ते तो सभी को पता है, सभी ने देखे हुए हैं, और अपने पास पूरा दिन पड़ा है वीडियो बनाने के लिए, तो फिर भाई बहुत सारी क्लिप्स हो जाएंगे, तो इसलिए रास्ता ना दिखा करके मैं सीधा इधर ही आ गया, मतलब रास्ता छोटा सा दिखाया है। चलो 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 खाली हो गया, भागो 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 भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। चलो 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 भाई, मैंने तन्नू को बोला, मैंने कहा भाई नीचे नहा लेते हैं, लेकिन मैडम बोल रही है कि नहीं नीचे नहीं ऊपर नहाएंगे ऊपर नहाएंगे ऊपर नहाएंगे, ज़्यादा पानी में नहाएंगे। मैंने कहा चलो भाई, हालत तो ख़राब हो रही है भाई, हिम्मत नहीं मार रहा है, इतना सा है सिर्फ 2 फुट का, हिम्मत नहीं आ रहा है, पता मेरी बैंड बच गई, शेर बन के जा रहा है ये देखो भाई। इसको देख के तो मेरे को अपना टाइम याद आ गया, हम भी कुछ ऐसे जाया करते थे, लेकिन जब आते थे ना
मूड खराब हो जाता था भाई, इसको पकड़ना पड़ेगा, ढलान है ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आराम आराम से पकड़ना पड़ेगा। तो जैसा आपको पता है कि भाई अपने साथ आज पिद्दू भी है भाई, छोटा सा पिद्दू भी है और साथ में तन्नू भी आ रखी है। तो भाई बड़े वाटरफॉल पर नहीं जा रहा हूँ, इतना रिस्क नहीं लूँगा भाई, क्योंकि आगे भीड़ बहुत ज़्यादा है और आपको पता है कि ऐसी लोकेशन पर ज़्यादा तो लोग ड्रिंक वगैरह करके रखते हैं, तो भाई यहीं पर ही मज़े करेंगे। इधर भी काफ़ी अच्छा खासा पानी गहरा है और उधर भी काफ़ी अच्छा खासा पानी है, तो इधर ही मस्ती कर लेते हैं अपन लोग, क्योंकि यार अपन लोग का फैमिली वाले भी तो है ना। तो भाई इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद भाई मैं तो थक चुका हूँ, ये दोनों तो देखो भाई पानी में आराम से बैठ गए ठंडे ठंडे पानी में, और अब भाई मैं जाता हूँ पानी के अंदर अच्छे अच्छे शॉट्स लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात भाई आज के वीडियो में कुकिंग भी होने वाली है, कुकिंग भी अपन लोग ना सामान लेके आए हैं यहीं पे कुकिंग वुकिंग करने का, क्योंकि दिन का लंच करके आराम से जाएंगे शाम को। तो चलो भाई कैमरे को ना पानी के अंदर लेके चलते हैं। पानी में डुबा दो, आप डुबा दो, क्या हो गया, लो डुबा लो, खेल लो इससे, डुबा दो पानी में। नहीं ये तो केस लगा रखा है ना, वैसे भी वाटरप्रूफ है, इसके साथ तो ज़्यादा ही है। ओ भाई भाई सज गई है अपनी प्यारी प्यारी सी दुकान, और जो भी आपने शॉट देखे ना वो ऊपर वाले उधर साइड वाले झरने के थे भाई, मैं थोड़ा सा आगे गया था और वहाँ पर पानी भाई लगभग इतना इतना है, मतलब मस्त करके पानी है, काफ़ी ज़्यादा पानी है। अपन लोग तो कम पानी में नहा रहे हैं, लेकिन आप आओगे तो भाई ज़्यादा पानी में भी जा सकते हो, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो कुछ बाहर के लड़के आए हुए वो ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, अपनी ड्रिंक कर रहे थे। बाकी भाई अपना गिलास बन के तैयार है, यहाँ पर अपना रसना वसना सब कुछ लेकर के आए हैं, मैगी वगैरह सब कुछ लेकर के आए हैं। मुझे लग रही थी भूख, सभी को भूख लग रही थी यार, पानी में नहाते ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भूख की, तो भूख लग रही थी। ये देखो भाई अपने आप ही चढ़ जाता है कहीं पे भी, इतना दंगे भाई, इतना दंगा क्यों करते हो, कैसे चढ़ गए आप इसके ऊपर। तो चलो भाई मैं अपना रसने का मजा लेता हूँ और फिर पानी बनाएंगे और फिर उसके बाद मैगी बनाएंगे। हम बाहर आते हैं ना और कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं भाई, वो कुछ अलग ही टेस्ट आता है, घर में रसना पीते हैं बिल्कुल टेस्टी नहीं होता, और यहाँ पर पी रहे हैं ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा, तो मुझको तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। एक बार सैम से पूछते हैं, सैम से पूछते हैं कैसा टेस्ट है, सैम पी के बताओ कैसा टेस्ट है। अच्छा है, घर से भी अच्छा है ना, घर में इतना अच्छा नहीं होता ना। तो भाई इन हसीन हसीन वादे के बीच में भाई अपनी मैगी बन रही है बहुत बढ़िया बढ़िया से, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है इसको थोड़ा बचाना पड़ रहा है, लेकिन भाई खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मैगी की। जब भी आप यार किसी नहाने वाले प्लेस पे जाते हो ना भाई, आपको नहाने के बाद जो भूख लगेगी ना वो बहुत तेज़ होगी, पहले मेरे को इसको बचाना पड़ रहा है, हवा तेज़ आ रही है ना, भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है यार। तो अपना भी कुछ वही हाल है, पिछले एक घंटे से, अच्छे दो हो गए, पिछले एक घंटे से ना, ये वाला ठीक है, हाँ पिछले एक घंटे से नहा रहे हैं यार, और अब लग चुकी है जोरों की भूख, और बातों बातों में मेरी चम्मच गिर गई है इसके अंदर, अब लग रही है जोरों की भूख, तो जल्दी से मैगी बनाते हैं और फिर मैगी का मजा लेंगे। मैगी का मज़ा अपन लोग ले चुके हैं भाई, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और सच में मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, तो इसलिए वापस चलेंगे अभी पानी के अंदर और अपना कैमरा भी लेके चलते हैं यार, कैमरा भी डुबाएंगे यार पानी के अंदर। बहुत मस्ती आ रही है यार, बहुत मस्ती, उधर थोड़ा सा गहरा पानी है लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ यार, चलो चलते ही यार उधर भी चलते हैं, थोड़े से ड्रिंकर आए हुए हैं ना तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था मैं, लेकिन चलते हैं चलते हैं। भाई भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है भाई, अभी मैं अंदर से होके आया हूँ, ये देखो भाई बस यहीं पर ही थोड़ा सा गहरा है, उसके बाद तो वो ऊपर वाटरफॉल आ जाता है भाई, यहाँ पे भीड़ देखो कितनी ज़्यादा लगी हुई है यार, हद से ज़्यादा भीड़ है एक्चुअली यार। सैटरडे है तो हो सकता है कि भाई कॉलेज की छुट्टी हो या पता नहीं कैसे करके, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। भाई आज जो सबसे ज़्यादा मज़ा लिया है ना वो भाई मैंने नहीं लिया है, वो भाई
ये देखो मैंने लिया। सैम ने भी इतना ज्यादा मजा नहीं लिया, सैम भी ज्यादा नहीं नहाया ना। घर से अपन लोग काफी सारा सामान लाए थे आज खाने पीने का। मैंने इन लोगों को पहले बताया था कि भाई लंच बाहर ही होगा तो ले करके चलो। और यहाँ पर जैसे हमारा गैस वगैरह देखा, लोगों ने मैगी बनते हुए देखा, भाई उनको तो बड़ा अजीब सा लगा कि भैया आपका बढ़िया है, सारा सामान लेके चले हो साथ में। तब उन भाई लोगों को बताया कि भाई चैनल है भाई का, अपन लोग कैंपिंग करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, तो इसलिए सारा सामान अपने साथ ही रहता है। बाकी पानी में बहुत ज़्यादा नहा चुके हैं। और भी नहाना है क्या? वाह भाई, आने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई कि यहाँ पर जितनी भीड़ हो रखी है ना, समझ लो कि एक ही वाटरफॉल बचा है भाई पूरे देहरादून में। मुझको ऐसा लग रहा है जितनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी ऊपर तो नहाने वालों की। मेन वाटरफॉल पे तो अपन लोग नहीं गए जब नीचे ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो अपने पूरे देहरादून में शायद एक ही वाटरफॉल बचा है ऐसा जो है, मतलब नेचुरल जो है। बाकी तो कुछ जगह बैन हो चुकी है और नेचर पार्क बना दिया गया है अपने लच्छी वालों को, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी, काफ़ी अच्छा मतलब इन्जॉयमेंट होता था, वो सब कुछ बंद हो चुका है। तो अब यही बचा है और यहाँ पर आने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, शायद इसीलिए बचा हुआ है। एक तरफ भाई शहरों में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है और एक तरफ शहर का ही वाटरफॉल है और इतना ज़्यादा ठंडा पानी है ना, यहाँ से सप्लाई होता है पानी थोड़ा नीचे की तरफ भी। रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन भाई सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ भी यहाँ पर आएंगी। इतने छोटे छोटे बच्चे भी थे, फैमिलीज़ भी थी और कपल्स भी थे, मतलब काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी यार, तो अच्छा है भाई। ऐसा नहीं था कि मतलब सारे पियक्कड़ ही पियक्कड़ थे, तो मैं पहले यही सोच के चल रहा था कि यार ऊपर सिर्फ पियक्कड़ ही ना हो, लेकिन भाई फैमिली थी तो मैं कम्फर्ट हो गया। बहुत अच्छे लोग आ रखे थे, काफ़ी अच्छे लोग थे जिनके साथ मतलब इन्जॉय किया वहाँ पर। सो गाइज, अब अपन लोग आ चुके हैं भाई शिखर फॉल से नीचे, और शिखर फॉल का लगभग लगभग मोस्टली जो मेन पार्ट था भाई वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल थे, तीन चार तरह के वाटरफॉल हैं, मतलब जिसको कम में नहाना है वो कम में नहा लो, जिसको ज़्यादा में ज़्यादा में नहा लो। और बाकी भाई रास्ते में आते हुए मैंने अपना हेलमेट रखा था एक शॉप पर, और उस शॉप पर मैं पहुँचने वाला हूँ, तो अपना हेलमेट वहाँ से उतारता हूँ, उठाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको। ये जितनी भी गाड़ी आपने देखी भाई, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, ये देखो भाई ये सिर्फ एक ट्रेलर है भाई, पूरी लाइन बनी हुई है बहुत दूर तक, उधर तक लाइन बनी हुई है भाई। मतलब यार जब हम आए थे ना भाई, छोटी सी लाइन थी, मैं तो तभी शॉक था कि मतलब इतनी ज़्यादा बाइकें हैं, अभी तो इतनी सारी कारें भी आ गई है, देखो नीचे की तरफ कारें भी आ गई। और इधर जो है भाई तुम्हारे भाई की जो बाइक है ना वो फंस चुकी है इधर एक्टिवा, और इधर भाई ने बाइक लगा रखी है, अपनी बाइक को इधर यहाँ से निकाल लेंगे। और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छे अच्छे लोगों में शेयर करना, बढ़िया बढ़िया लोगों में जो अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे ना उनमें शेयर करना भाई। तो वीडियो पसंद आया तो भाई शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।